चले शुरू करें। आओ मेरे बेटे। समझ गया, तो सब बता दिया तुमने, लेकिन कंप्लीट डिटेल्स नहीं बताई। क्योंकि हमें भी अभी तक कुछ नहीं पता। अगर आप यहाँ पर बैठेंगे और हम लोगों को बताएंगे तो हम सब साथ सुन लेंगे कि क्या बात है, इंशाल्लाह। कहीं बता ही ना दूं मैं। अरे मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, चलो अब बताओ कब बात हुई तुम्हारी, तुमने क्या कहा और डेफने ने क्या कहा इजहारे मोहब्बत की। तौबा। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो, इश्क में तो ये सब कुछ चलता है। दादा आपा बिगड़ती जा रही है, इसे रहने दो, बस जो मुंह में आता है बक देती है। सुबह इसने डेफने के भाई के सामने भी यही किया था। अरे हाँ भाई सुने, हम लोग यहाँ पर तुफैल भाई के अचानक आने पर बात कर रहे थे ना, तो फिर हमें पता चला कि वो वहाँ आने से पहले यहाँ पर आए थे और उन्हें हमारी जगह का मेफ्तून आपा ने बताया था। जब ही तो वो वहाँ फौरन पहुँच गए थे और उनके पहुँचने की वजह सिर्फ और सिर्फ मेफ्तून आपा है। तो मुझे कैसे पता होगा इस बारे में, कोई मुझे कुछ बताता भी है इस घर में? अगर मुझे पता होता तो मैं उसे हरगिज़ ना बताती कि तुम लोग कहाँ हो। मेरे ख्याल से आपा आपको बोलना नहीं चाहिए था, चाहे आपको कुछ पता होता या नहीं, आप हर बात मुसीबत पर डाल देती हैं। अच्छा तो वो मैं हूँ जो तुम लोगों को हमेशा मुसीबत में डाल देती हूँ, और ऐसे मैंने कब किया बताओ। सुभान अल्लाह, उस दिन किसने कहा था कि बहू गार्डन में बैठी हुई है मेफ्तून? तो सच कहा था ना मैंने, क्या नहीं थी उस दिन, तुम बताओ यानिन। उफ मेरी आपा उफ, आपसे कोई नहीं जीत सकता। अरे कसम से सही कहा, मेफ्तून आपा ना पहले भाई की शादी करवाएंगी दिन में, फिर रात में बच्चे करवाएंगी और फिर शाम में डिवोर्स फाइल करके अलग करवा देंगी, यही प्लान है इनका, मैं बता रही हूँ। अच्छा चलो अब जो होना था हो चुका, खाना खाएं आप सब। अच्छा मुझे देखना तो बंद करो, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाली हूँ। अगर मैं सच बताऊँ तो मैं तो खुद यकीन नहीं कर पा रही कि ये सब क्या हो गया। डेफने क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? हाँ ना मेरी जान, आ जाओ। तो फैल तो कसम से परेशान कर देता है, हाय उदास तो ऐसे बैठता है जैसे पूरी दुनिया का गम उसके नाजुक से कंधों पर डाल दिया हो। दोरुक अपने कमरे में बैठा है, मैं अपने कमरे में कब से अकेली बैठी बोर हो रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बात करने वाला ही नहीं है घर में। लेकिन भाई इतने परेशान क्यों है, सिनान और यशम की वजह से? वो वजह भी है, मैंने उनसे ये कहा कि आपके इस रवैये की वजह से सब बातें छुपाते हैं आपसे। उन्हें रूड लगा होगा वैसे। हाँ लगा तो होगा, और मैंने सच ही तो कहा है। ओह खैर उसकी बातें छोड़ो, तुम तो फैल के बारे में तो बात करके बस गुस्सा ही आता है। चलो टीवी पे कुछ देखते हैं, इससे माइंड डाइवर्ट होगा हमारा। भाई आप ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ, आओ बैठो। यार भाई वो बात ना मैंने बस अनजाने में डिनर पर कर दी थी, वो सब डिवोर्स वगैरह की ना। यशम प्लीज मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। ठीक है, वैसे भी कब की है आपने मुझसे कोई बात? यार भाई क्या मैं आपसे एक चीज मांग सकती हूँ? यशम अरे नहीं, ये हमारे पेरेंट्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं है, डेफने के बारे में। इस बात को अपने और डेफने के बीच में कभी भी मसला नहीं बनने दीजिएगा, कभी भी नहीं। ऐसा मुमकिन है क्या? वो इतनी क्यूट है, जिंदगी से भरी हुई, मैं उसके साथ होता हूं तो दिमाग में कुछ और आता ही नहीं है। मेरे भैया जी तो आशिक हो गए हैं, आशिक। हाय हाय अल्लाह तेरा शुक्र, जिंदगी को ना बस एक मर्तबा सही से जीने दे, सुन रहे, एक मर्तबा। चलो भाई। चलो मैं जाने देता हूँ,
वो जो चाहे जैसा चाहे कर सकती है। मेरा यकीन करो, तुम्हारे बगैर जीना बिल्कुल ही नामुमकिन है। मानती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, लेकिन तुम दिलो जान से भी ज्यादा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, जानता हूं। गलतियां हुई हैं मुझसे और कफारा भी अदा कर चुका हूं। लेकिन यकीन करो, बहुत प्यार करता हूं तुमसे। तुमसे इस जिंदगी में रंग है, हर शय खूबसूरत है, लेकिन अगर तुम चले गए तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी। जिसकी तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो वो कहाँ जा सकता है। इन लोगों को देखो, हमें झूठ दिखाते हैं कि इस तरह के लोग भी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। क्या कहें बस। कैसा है मेरा शेर? मैंने कुछ कहा? मैं यहाँ बैठ के टीवी से बातें नहीं कर रही हूँ। ये लोग हमें झूठे ख्वाब दिखाते हैं। सही है। सुनो, कहीं तुम पर वहाँ की हवा का असर तो नहीं हो गया? अगली दफा मुझे भी अपने साथ लेकर जाना। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद हम यूरोप जाएंगे। बिल्कुल जाएंगे। और फिर हम स्पेसशिप पर बैठकर चांद पर जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। तुम्हें प्यार हो गया है क्या? क्या, ये किसने कहा? मैंने कहा हनी, तुम्हें प्यार हो गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सा प्यार, कैसी बातें कर रही हो तुम मुझसे लैला? चलो बताओ मुझे डेफने, क्या हुआ था वहाँ? मुझे सब कुछ बताओ। क्या तुम दोनों ने एतराफ कर लिया? हाय, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ भी? ये है। या अल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। चीखो और जोर से चीखो। मैंने इसके कान बंद कर दिए, मगर ये अपनी पसलियों से सुन सकता है। ये फालतू की बातें छोड़ो तुम डेफने, मुझे सब कुछ तुम बताओ डेफने, अभी के अभी। मैं कुछ नहीं बता रही और तुम भी कुछ मत पूछना। एक काम करो, यहाँ बैठो जितनी देर भी बैठना है, बट मेरे रूम में मत आना, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। इसलिए तुम यहाँ शराफत से बैठकर टीवी देखो और मुझे मेरे कमरे में अकेले रहने दो। हाय, ब्रावो याले नराज, तुमने तो बड़ी आसानी से अपने इश्क में गिरफ्तार कर लिया। हाँ, जल्दी जा गए तुम। मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ, लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि आज तुम इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गए। खैरियत? मैं सो नहीं पाया तो सोचा जल्दी काम पर चला जाऊं। और तुम सो क्यों नहीं पाए, ये बताओ। दानिश, वैसे तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि जब बरूची को पता चलेगा तो वो तुम्हें इतना मारेगा कि तुम दर्द की वजह से पूरी रात सो नहीं पाओगे। मैं सोच रहा हूँ कि आज इस चीज का कोई हल निकाल ही लूं। तुम इतने बहादुर कब से हो गए? अरे जो होगा देखा जाएगा, बताना तो पड़ेगा। हाँ, ये सही कहा तुमने। और वैसे भी अब तुम ज्यादा देर तक नहीं छुपा सकते, बात तकरीबन सबको ही पता है। हाँ, और कल सिनान वो अपनी बहन के साथ मुझ पर यकीन कर रहा है। मुझे ऑकवर्ड लगा, किसी को धोखा नहीं दे सकता ऐसे। यही कहूंगा कि गुड लक। शुक्रिया, बस दुआ करना। इंशाल्लाह। मेरी बात सुनो बेटा, तुम ठीक थे जब रात को सोने गए, लेकिन अब दर्द हो रहा है बाबा, बहुत दर्द हो रहा है मुझे। मैं सच कह रहा हूँ बाबा, बहुत दर्द हो रहा है। ये बताओ मम्मा की जान, क्या इस दर्द का कोई मखसूस वक्त है? मुझे कैसे पता होगा कि ये दर्द आने जाने वाला है या नहीं? ए, तुम एक लड़के हो मेरे बच्चे, रो मत। बाबा जान, मेरा बेटा अब एक छोटा नहीं बल्कि बड़ा लड़का है, शायद कम्फर्ट का थोड़ा ज्यादा आदि है। चलो आओ, मैं नाश्ते के बाद तुम्हें कुछ पेन किलर्स दे देती हूँ, ठीक है? मैं फ्रेश होके आता हूँ, फिर अपने बेटे से बातें करूंगा। मुझे ऐसे ना देखो। अब मैं तुमसे कभी कुछ नहीं पूछा करूंगी। सही कहा, तुम मुझसे वैसे भी पूछती कहां?
दादी अपने पोते को समझा लें आप, बिला वजह लड़ता है। हाँ सब देख रही हूं मैं। आह मेरे प्यारे पोते, मेरी जान, तुम कैसे हो बताओ? मैं ठीक हूँ दादी, और साथ ही बहुत खुश भी हूँ मैं, क्योंकि मेरे बाबा मेरे साथ हैं और वो मम्मा से लड़ भी नहीं रहे। हाँ नहीं लड़ते, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। वो अगर हमेशा तुम्हारी साथ रहे तो वो कभी ना लड़े। मगर मुझे डर है कि बाबा चले जाएंगे। फिर हम कोशिश करेंगे कि वो यहीं रहे। वो कैसे? हम कोई तरीका ढूंढ लेंगे ना। अब मामा से जिद करो कि वो भी साथ हॉस्पिटल जाए। अगर सब एक साथ हॉस्पिटल जाएंगे तो वो यहाँ से भी कभी नहीं जाएंगे, देख लेना तुम। सब साथ रहेंगे, समझ गए तुम? समझ गया मेरा बच्चा। देखने आई थी इसे, अब करूंगी मैं जादू। इस आग को बारूद कैसे दिखाना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। नाश्ता तैयार है, आ जाओ सब जल्दी। गुड मॉर्निंग। हाय शिम। स्नान? क्या तुमने मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया है? किसने? मैंने? ओहो नहीं नहीं मेरी जान, मैंने तो कोई मैसेज नहीं किया। हाय तुम ना बहुत। हाय स्नान। तुम्हें इतना अच्छा लगा? हाँ बहुत ज्यादा, मगर मुझे ना बहुत बड़ा टेक्स्ट चाहिए कल, बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा रोमांटिक। किसी ने सही कहा है कि औरत को खुश करना बिल्कुल नामुमकिन है। रखो फोन यशम, फोन रखो यार। एक मिनट, उसने ना अभी मुझे गुड मॉर्निंग का मैसेज किया है, बड़ी बात है। आहिस्ता यशम डियर, स्लोली स्लोली, काम डाउन। इसको हॉस्पिटल लेके जाओगे क्या? जी दादी, आज इसकी अपॉइंटमेंट है। हम नाश्ते के बाद निकलेंगे अपने बेटे के साथ, ठीक है ना? मैं चाहता हूँ कि मामा भी हमारे साथ चलें। मामा को साथ लेकर क्यों जाएंगे? यानी मैं और तुम ही जाएंगे बस, हम दोनों बाप बेटा, और क्या। मम्मा के बगैर मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। मेरी मदद चाहिए? बिल्कुल वैसे ही जैसे पहली मुलाकात पे चाहिए थी। मैं मदद कर दूं क्या? खबरदार, अगर तू मेरे करीब भी आए तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, दूर रहना मुझसे। खैर तो है ना मोहतरमा, पागल हो गई हो क्या? हा? मुझे पागल कह रहे हो? अगर मैं पागल हूँ तो तुम सुपर पागल हो। देखो तो जरा इन्हें, लड़कियों को देखने के लिए गाड़ी के नीचे छुपे बैठे थे, पार्किंग लॉट साइको, बिल्कुल मर्डरर की तरह। हाँ मैं पागल हूँ और तुम तो बहुत अकलमंद हो ना, जिस तरह पार्किंग में कपड़े बदल रही हो, है ना? क्योंकि हमारी फर्म की पार्किंग तो बस इसी काम के लिए रह गई कि यहाँ लड़कियाँ आए और कपड़े चेंज करती फिरे। तो बात सुनो, अगर ऐसा है ना तो मुझे भी सुपर पागल कातिल वगैरह बनने में कोई मसला नहीं है। तुम कितने गुस्से में थे, तुम्हें देखकर आ गया था बिल्कुल।
और अब बताओ आज कैसी लग रही हूँ मैं तुम्हें? सच बताऊँ अब तो कयामत लग रही है। अब तो मुझे अपने ड्रेस के जिप बंद करने में मदद करने दोगी ना? तुम्हारे ख्वाबों में मेरी जान। ओह, इजाजत हो तुम खुद दोगी मुझे एक दिन। गलत समझा था। अच्छा चलो बस करो, मजाक कर रहा था, इतना घटिया भी नहीं हूं मैं। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, यानी तुम्हें ऐसा लगा था कि वो ड्रेस मैंने अपने बॉस को इंप्रेस करने के लिए पहना है। शायद जेलस हो गया हूंगा मैं। हाँ, और इसी वजह से तुमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। दानिश से जेलसी के बाद वाली बातें, मेरी गलती नहीं है, याशिम और दानिश मुझे भड़का रहे थे। क्या मतलब है? Darling mom. दानिया, मैंने बुलंद को छोड़ दिया है। Oh my God, अम्मी, फिर से छोड़ दिया आपने? क्या करती है, उस कंगले के पास तो कुछ भी नहीं है। तो क्या हुआ अम्मी, उसके पास पैसे नहीं थे तो क्या हुआ? जुए के पैसे नहीं दिए बार्डर के? देखो अपनी जबान संभाल कर बात करो मुझसे, मुझे ये बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिंदगी है, मैं कुछ भी करूँ। अच्छा मामा, आप फिर शुरू मत हो। अच्छा इस्तांबुल आ रही है या नहीं? बस टैक्सी का इंतजार कर रही हूँ, फिर पहली फ्लाइट से तुम्हारे पास आती हूँ। ठीक है, आपके पास कीज तो है ना? घर चले जाएगा, मैं फिर बाद में आ जाऊंगी। अरे क्या हो गया दानिया, तुम जब आओगी तो मैं सो रही होंगी, बाहर चलते हैं कहीं। एक काम करो, यालिन आरस को फिर से साथ ले आओ। नहीं मामा, मैं यालिन आरस के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा मैं फोन रख रही हूँ, घर पे आके मिलती हूँ। हाय दानिया, मेरे सारे दोस्तों ने जब तुम्हें टीवी पे देखा तो मुझे कॉल करके मुबारकबाद दी, और यकीन करो कुछ तो बहुत चल रहे थे इस बात से। चलो बेटा मेरी टैक्सी आ गई, मैं तुमसे वहाँ पहुँच कर बात करती हूँ। हाँ कर दूंगी, बिल्कुल करूंगी। तुम जानते हो दानिश ने जानबूझकर किया वो सब। हाँ जानता हूँ मैं। यानी तुम हम दोनों को एक साथ देखो। और हुआ ये कि दादी जान ने हम दोनों को साथ देख लिया। और मैं भी सोचती थी कि मेरे बॉस को तो कोई देखे यार। वैसे जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब तुम्हारा बॉस ये है। हाँ मगर मैंने अपने बॉस को इम्प्रेस करने के लिए बहुत मेहनत की है, मैंने वो ड्रेस भी पहना सिर्फ तुम्हारे लिए। हा? बस कर दो मेरी जान, बस कर दो, आखिर हो तो गया तुम्हारा बॉस इम्प्रेस। यानी सिर्फ कपड़ों से इम्प्रेस हुए हो तुम? इम्प्रेस होना छोटा लफ्ज है, मैं तो तुम पे फिदा हो चुका हूँ, फिदा। अच्छा चलो पीछे हटो, कोई देख लेगा हमें ऐसे। वेल देखने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ गॉड, इनका तो सच में अफेयर चल रहा है। एक काम क्यों नहीं करते हो? क्या? न्यूज़पेपर में ऐड क्यों नहीं लगवा देते? चाहो तो लगवा सकता हूँ, तो मुझे ये तक नहीं बताती कि क्या हमें कपल है। देखो मैं इससे प्यार करता हूँ। यालिन तुम बिल्कुल पागल हो गए हो क्या? तुमने कर दिया मेरी शान। बातें करवा लो बस। तो मुझे जितना भगाओगी ना मैं उतना तुम्हारे पीछे आऊंगा, समझ गए मेरी शान? क्या मैं ये समझूं कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? ओ, बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा हूँ। यार तुम जैसे बॉस को तो सू कर देना चाहिए। मेरी माँ को यालिन आरस का ख्वाब देखना छोड़ देना चाहिए। वेल अब बहुत हो चुका लड़के। एक्सक्यूज मी, बहुत हो गया, एस्की का पीछा छोड़ दो। ओह अच्छा वो छोड़ दिया? हाँ क्या कहा तुमने? मैंने कहा अच्छा, जैसे तुमने कहा अभी। चलो बाद में मिलते हैं। गुड मॉर्निंग मेरी दोस्त। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। बाद में मिलते हैं। पागल इंसान।
खुश आमदीद। ये रहा हमारा फेमस फुटबॉलर, मेरा प्यारा सा बच्चा। तो हमारे फुटबॉलर को पहली चोट लग गई है ना? हर फुटबॉलर को चोट तो लगती है ना आंटी? बिल्कुल, लेकिन अगर हम एहतियात से खेलें तो फिर चोट नहीं लगती। तो आज की बात आपको एहतियात से खेलना है, ताकि अगली बार खेलो तो फिर मैच जीत जाओ। ठीक है, चलो आओ मेरे पास। आई चलो तुम्हें डॉक्टर को दिखाएं, कुछ ही दिन में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम तो ऐसे इशारे कर रहे हो जैसे मैं यहीं रुकने वाली हूँ। एक तो ये इंसान मुझे पागल कर ही दम लेगा, इसका क्या करूँ मैं आखिर, समझ नहीं आता। जो होगा देखा जाएगा। बोलो आरास। हाँ बरूची, मिलना है तुमसे। क्यों, खैरियत? वेल, शायद कुछ अच्छे के लिए। तुम आधे घंटे के लिए मिल सकते हो? ओके, कहाँ आना है? जहाँ कोई भी ना हो। जहाँ कोई ना हो, खैरियत है ना? हुआ क्या है? बस करो, मजाक बंद करो। चलो फिर लोकेशन भेजो। रश में पिट के मुझे खबरों का हिस्सा नहीं बनना। मैं सोच रहा हूं डेफने को बताऊं या नहीं, या बता के गुस्सा दिलाऊं या नहीं। तुम बताओ क्या कहती हो बुर्जो? मैं उसको बताऊं या नहीं, एक ऑप्शन चूज करो। बता दे। ठीक है, लगता है कुछ हो गया है इनको। आज सुबह से हंस रहे हैं ये, पता नहीं क्यों। एक तो तुम मुझे देखना बंद करो। कितनी देर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं थोड़ा काम कर लूँ, लेकिन अगर तुम मुझे मुसलसल देखते रहोगे तो कैसे काम करूंगी मैं भला यहाँ पर, बताओ मुझे। आई लगता है मैं पागल हो जाऊंगी, किसी भी चीज में मेरा दिल नहीं लग रहा। और जिसे देखो वो ये चाहता है कि मैं उसे बता दूं कि मैं यालन के लिए क्या फीलिंग्स रखती हूं। और मैं किसी से भी कुछ भी कह नहीं पा रही हूं। मगर सबसे छुपाना भी आसान नहीं। घर पर किसी से इसलिए नहीं कह सकती कि कह दिया तो तूफान आ जाएगा। हाँ, अपने दिल की बात तुमसे कह दूं? हाँ हाँ, अरे क्या कमाल का आइडिया दिया है तुमने, क्योंकि घर पर जो है वो तो एसकी का दोस्त है और तुम यहाँ पर मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, सही कहा ना? हाँ, और वैसे भी तुम बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी रेपुटेशन सब जानते ही हैं। तुम्हारी कहानी तो सबको पता है कि तुम्हारी नाक क्यों लंबी है। बात यह है कि मैं दरअसल उस यालन से असल में नाराज थी, ठीक है ना? देखो हुआ कुछ यूं था कि पहले उसने यशिम के रिलेशनशिप को कबूल नहीं किया, और जब कबूल कर लिया तो वो मेरे पीछे आ गया। अब तुम ही बताओ, ये भी कोई बात हुई कि जब दिल किया चले गए और जब दिल किया मेरे पास वापस आ गए? मगर मैं भी ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकी, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही प्यार से मनाया। अब कहीं खुदा ना खास्ता गलत मत समझना, असल बात तो यह है कि मुझे भी उस शख्स से प्यार हो गया है। यानी यालन आरास का मुझ पे जादू चल ही चुका है आखिरकार। हाँ, दिल हल्का हो गया मेरा। हाँ बिल्कुल हो गया, तुम्हें सुनकर हैरानी हुई, चलो तुम सरप्राइज ही रहो। अच्छा सुनो, वैसे तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरे दिल की बातें सुन ली, अब मैं आराम से अपना काम कर सकती हूँ। अरे 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 अरे, देखो तो जरा इस पागल आशिक को। अपने भाई को पागल मत बोलो, बताया नहीं क्या तुम्हें? अरे लेकिन आप बहुत बड़े पागल हैं यार, चेहरे को क्या हुआ है आपके? मुझे कुछ रियलाइज हो गया। क्या रियलाइज हुआ है? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ वो पागल है। सच में? तो आपको अभी पता चली है ये बात? ये बात तो सब जानते हैं, सारा जहान जानता है कि वो प्यारी सी पागल है। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? मुझे किसी का ख्याल करना चाहिए, मार पड़नी चाहिए, क्योंकि एक लड़की ने अपनी मोहब्बत का इजहार एक सिटकी के सामने किया। हाय देयर,
ये पकड़ो, गाड़ी खोलो। आजा आजा मेरा बच्चा। आराम से बैठो, ओके? मुझे भूख लगी है। मामा की जान, बस अब हम घर ही तो जा रहे हैं। नहीं जाना मुझे घर, मुझे अभी इसी वक्त फ्राइड गोश्त खाना है बस। उसे ग्रिल मीट कहते हैं मामा की जान। मुझे उसके नाम को क्या करना है, मैं वो खाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, हम चलकर बारबेक्यू खाते हैं, ओके? ये हुई ना बात। खैरियत है ना आरास? इतनी इमरजेंसी में बुलाया तुमने, बताओगे किस लिए? आप बरूचि, मैं जानता हूं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसके बाद तुम मुझे फौरन से मारने लगोगे, और मैं कुछ नहीं करूंगा। एक मजबूत इंसान के उसूल के मुताबिक तो मैंने सोचा अलग ही मिलते हैं, इस तरह तुम्हें कोई मारने से रोकेगा नहीं, और तुम अपनी मर्जी से जितना चाहे गुस्सा निकाल सकोगे मुझ पे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, जो तुम बताओगे वो सुन के मैं तुम्हें मारूंगा, और तुम कुछ भी नहीं कहोगे उसके जवाब में, तो इसका मतलब कुछ ऐसा है कि गड़बड़ हो सकती है। हां बिल्कुल आरास, कह दो कि जो मैं सोच रहा हूं वो बिल्कुल गलत है। भाई शायद ये वही है जो तुम सोच रहे हो। मैं तैयार हूं। चुपचाप खड़े क्या हो गए? देखो जो भी बात है खुलकर बोलो, और अपनी आंखें तो खोलो यार। उससे मोहब्बत करता हूं, हद है यार, ये तो हैरान ही रह गया, हालांकि मैंने तभी बताना शुरू ही किया है। सिनान यार खुद को संभालो, सिनान। ओ यार मैंने तो तुम्हें मानना शुरू कर दिया, अब तुम्हारा क्या कहना है? सिनान, हे बरूचि सुनो। हाँ? मारो मुझे, मैं तैयार हूं, मारो। मैं नहीं मारूंगा तुम्हें, नहीं मारूंगा तुम्हें, ऐसे ही खड़े रहो यहां, नहीं मारूंगा। यार अब बस कर दो अपनी जिद को, तुम दोनों अजाब, तुम और मेरी बहन। डेफ ने भी तुमसे प्यार करती है क्या? हाँ वो भी, मैंने कहा तो था, कह रहा हूँ कि मुझे मारो, तुमने नहीं मारा, तुम्हारी मर्जी मारो या नहीं। तो फिर तुमने मुझे इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तो मैंने उसे कहा था कि वो मुझसे प्यार करती है,
उसने नहीं कहा। मैंने उसे सिटकी को बताते हुए सुना, ऐसा ही है। तुम्हें कैसा लगता है? इंसान एक मैसेज ही कर देता है, जबकि बातें तो बहुत बड़े आशिकों वाली करता है, लेकिन एक मैसेज तक नहीं किया मुझे। मैंने ये थोड़ी कहा कि शाम मेरे साथ गुजार ले। यार यालन, तुम्हारा दिमाग जगह पर है? इस वक्त तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? रिलैक्स मेरी जान, रिलैक्स। मैंने तुम्हें मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। एजगी से क्या रिश्ता है तुम्हारा? इसका बॉयफ्रेंड हूँ। चलो जान, चलते हैं। मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं होता अगर मुझे पहली नजर में तुमसे प्यार ना हुआ होता। लेकिन हमने तो वादा किया था ना कि हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे। यार, हमने वादा भी किया था कि अलग नहीं होंगे।